आउट टाइम आउट। स्वागत है आपका कमेंटली चैलेंज के नए एपिसोड में और आज ऑन पॉपुलर डिमांड हम बात करेंगे ससुराल सिमरका के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से इस सीरियल का नाम संडास सिमरका होना चाहिए क्योंकि इसमें बेहिसाब टट्टी भर रखी है और सबसे बेहुदी चीज है विलन। विलन के नाम पे यहां आपको मिलेगी महामाया, पाताली देवी, शैतान, वो भी मेल और फीमेल, किडनैपर्स, नागिन और चुड़ैल। अब जैसे बाकी सीरियल्स में चुड़ैल आती है, यहाँ चुड़ैलों की फौज आती है और इन काली साड़ी वाली चुड़ैलों को मारने के लिए ये लोग इम्पोर्ट करते हैं लाल साड़ी वाली आंटियां और ये आंटियां चुड़ैलों को मारने के लिए शुरू करती है सिंदूर की होली। आज न छोड़ेंगे बस हम झोली, खेलेंगे हम होली। और होली खेल के ये लाल साड़ी वाली आंटियां इतनी खुश हो जाती है कि इनका डांस निकल जाता है। जग घूमे थारे जैसा ना कोई। चुकी है पर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये है इन चुड़ैलों को इतना सारा मेकअप करने का टाइम कैसे मिलता है। पर तभी हमें अंदर की खबर मिली कि घर की औरतें और चुड़ैले इस तरीके से झटाक से मेकअप कर लेती हैं। यो बोल फा ये हो मैं ये बोल आ और नाखून काटने का टाइम इन्हें फिर भी नहीं मिलता। एक बार तो पता नहीं कहां से ये लोग क्यूपिड तीर ले आते हैं जो अगर दो दिलों के पार चले जाए तो उनमें प्यार हो जाता है। पर ये तीर क्यूपिड कम और स्टूपिड ज्यादा होता है क्योंकि ये तीर इतना धीरे होता है कि जब तक ये पहुंचता है एक लड़की मजे मजे में हट जाती है और टहलते टहलते दूसरी लड़की आ जाती है। यार ऐसे सीन देख के मेरा दिल करता है कि इस मोटे से झापड़ खा के मर जाऊं। पर फिर आपके लिए इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस कौन बनाएगा। और मैं आपको बता दूं इस सीरियल में बिना सर पैर की सिर्फ बातें नहीं होती, बिना सर के लोग भी होते हैं। उसका शरीर है लेकिन उसका चेहरा नहीं है। और इस सीरियल में किसी की जिंदगी बिल्कुल झंड है ना तो वो है लड़कों की। इनकी ना लेनी एक ना देनी दो, इनको कभी बेड से बांध देते हैं, कभी पेड़ से बांध देते हैं और कभी कभी तो इनको चोटी से बांध देते हैं। और बेचारों की जिंदगी इतनी झंड है कि कहीं बाहर भी घूमने नहीं जा सकते। हेलो, हाँ भाई, मोमोज खाने चल रहा है? यार आज तो वो पाताल से लोग आ रहे घर पे, मैं नहीं आ पाऊंगा। पाताल से लोग आ रहे हैं, क्या बोलता है यार ये। हेलो, हाँ भाई, मूवी चल रहे हैं आज, मना मत करियो। यार आज तो वो चुड़ैलों की डांस पार्टी है घर पे। क्या बोलता है यार ये। अरे यार, इसको फोन करने का फायदा तो है नहीं, लोग घर मेहमान आते हैं, इसके घर शैतान आते हैं। हेलो, हाँ भाई, आज तो चल ले, 15 साल हो गए मिले हुए, आज शक्ल दिखा दे अपनी। यार आज तो मम्मी का बर्थडे है। अरे वो तो मर नहीं गई थी? हाँ, मॉम जिंदा होगी ना फिर, तू फोन ही क्यों करता है। लड़कों की वहाँ जिंदगी झंडो रखी है और लड़कियां यहाँ चोक स्लैम खेल रही हैं। यार मैं तो थक गया इस सीरियल की बेइज्जती मार मार के। मारो और मारो, बल्कि जब तक तुम में जान बाकी है तब तक मारो। तो चलो इसी बात पे चलते हैं इस सीरियल के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य पे कि इस आंटी के सर पे सड़क क्यों बनी है और ये जाती कहाँ है। ऐसा भी इनपे इतना आ गया है कि इन्होंने एक डायवर्जन भी बना लिया है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्नब गोस्वामी जो सीरियल के राइटर के बारे में दो शब्द बोलेंगे। He is not psychiatrically stable. I suggest he gets himself admitted very quickly. और अब हमारे साथ सनी जी भी जुड़ चुके हैं जो सीरियल के बारे में दो शब्द कहना चाहते हैं। अरे चंदा, समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे सीरियल बाजारों में बहुत बनते हैं मगर इतना वाहियात बनाने के लिए जो जिगर चाहिए होता है ना, वो एक असली मेंटल लेके पैदा होता है। और हाँ, ये 2.5 किलो का आदत है। मेंटल? यहाँ कोई मेंटल नहीं, पागल नहीं हूँ मैं पागल नहीं हूँ, मैं 7th क्लास में हूँ और अपनी क्लास में सबसे लंबा हूँ। जादू तुम कहाँ हो, जादू तुम कहाँ हो।
अब यार ये एपिसोड बनाने के लिए मैंने अपनी आंखें सड़ाई हैं, कान जलाए हैं, यहां तक कि मेरे घर का दूध फट गया है। तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और धार्मिक होके वो घंटा दबा देना। और भाई साहब वीडियो शेयर हो जानी चाहिए। और जाते जाते दो बातें कहना चाहूंगा। अपने अपने कमरे में जाओ, बत्ती बुझाओ और चुपचाप सो जाओ।